रात्रि में जो आंधी आई थी उसके कारण से सढ़ौरा कोटला मार्ग पर गांव समैलपुर सलेमपुर के बीच में एक भारी भरकम पेड़ जो है सफेदे का, देख सकते हैं आप, बिजली की तारों पर गिर गया, जिसके कारण से दोनों तरफ का यातायात यहां पर अवरुद्ध हो चुका है। आप देख सकते हैं भारी भरकम पेड़ है और दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन्स इस वक्त लग चुकी हैं, तारों के ऊपर दर्द गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। उधर भी ट्रैफिक जाम है, कारों के ऊपर जो है इस वक्त कह सकते हैं कि टंगा हुआ है पेड़। काफ़ी दूर तक पेड़ ने मार की है बिजली की तारों के ऊपर, साथ ही केबल जो है एक साइड में है उसके ऊपर भी ये गिर चुका है। कोटला रोड की तरफ से भी उधर भी गाड़ियां यहाँ पर जाम लगा हुआ है, खड़ी हो चुकी हैं। दो पहिया वाहन तो या फिर कार वगैरह तो यहाँ से गुजर रही है, लेकिन जो बड़े वाहन ट्रक वगैरह हैं वो यहाँ से निकलने मुश्किल हो रहे हैं, जिसके कारण से कई वाहन तो यहीं से वापसी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सलेमपुर निवासी दिलीप सिंह जी। दिलीप सिंह जी, ये पेड़ कब गिरा है? और गिरा हुआ है जी, रात का गिरा हुआ है और अब तक कोई उठाने नहीं आया। आपने किसी को सूचना दी है? गांव वालों ने, बिजली बोर्ड के बंदे यहाँ आए थे, उन्होंने जो है पीडब्ल्यू वालों को काटने से मना कर दिया है। अच्छा। कि जब तक हम लाइन नहीं काटेंगे, तारें नहीं खोलेंगे, जब तक ये पेड़ नहीं काट रहे। अच्छा। पब्लिक परेशान होती है, बेशक होती रहे। तो बिजली बोर्ड वाले भी आए थे, पीडब्ल्यूडी वाले भी आए थे, दोनों आए थे। तो उन्होंने, आपने कहा नहीं कि पेड़ वगैरह काट दो भी? उनको कहा है, पेड़ काटने के लिए ही बुलाया उनको। अच्छा। लेकिन उनको बिजली बोर्ड वालों ने मना कर दिया है कि जब तक हम जो तारें नहीं खोलेंगे, पेड़ नहीं उठाने देंगे। तो आपस में उनका वो हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो इस कारण से नुकसान क्या हो रहा है अभी यहाँ पे एकदम से? नुकसान जो है, ये देखो आप कितना ट्रैफिक है जो रात का जाम पड़ा इधर, रात से ही बंद हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये थे दिलीप सिंह जी, जो बता रहे हैं कि दो डिपार्टमेंट के बीच में यहाँ पर छोटा विवाद आ गया, पीडब्ल्यूडी और बिजली बोर्ड, और दोनों ही जो है पेड़ को काटने से प्रकार से मना कर रहे हैं। अब इस दौरान ये पेड़ अभी भी लटका हुआ है, देख सकते हैं आप, दोनों तरफ जो है रास्ता बंद, लोगों को काफ़ी भारी असुविधा। लाइट तो चली गई है खैर गांव की, और लोगों को असुविधा भी हो रही है। तो प्रशासन को इसकी तरफ जल्दी जल्दी ध्यान करना चाहिए और इस पेड़ को हटाना चाहिए, और ताकि यातायात भी जो अवरुद्ध हो चुका है वो स्टार्ट हो जाए, और साथ ही जो अपना बिजली की सप्लाई बंद हुई है इधर क्षेत्र के अंदर, वो भी जो है सुचारू हो सके, ताकि पानी वगैरह भी घरों में पहुंच सके। हमारे साथ कुछ गाड़ियों के चालक खड़े हैं, उनसे बात करते हैं जी। क्या नाम है आपका, कहां से आए आप? पोंटा साहब से आए हैं। पोंटा, क्या नाम आपका? राकेश कुमार है सर। पोंटा साहब से किस वक्त आए थे यहां पे? सर रात के खड़े हैं। कितने बजे आए थे? 10 बजे सर। उसके बाद से ही खड़े हुए? हाँ जी सर। ये पेड़ गिर रखा ना सर ये यहाँ पे? अच्छा। क्या सामान वगैरह लाते रखे? हाँ जी सर, दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ सारे गाड़ियाँ पे ही खड़े खड़ी? हाँ जी सर। आप कहाँ से आए सरदार जी? आप भी पोंटा साहब से ही हैं? आप जी पोंटा साहब से? हाँ। तो ये ड्राइवर देखिए आप, पोंटा साहब से गाड़ियों में इनका सामान लदा हुआ उधर देख सकते हैं बैकग्राउंड में, और काफ़ी देर से रात्रि 9-10 बजे बोला कि खाना भी उनको जो है नहीं मिला, और अब तक भी कोई गारंटी नहीं है कि कई घंटे यहाँ लगे रहेंगे, और यहाँ पर कोई रास्ता दूसरा भी है जिससे बड़ी गाड़ियाँ हैं तो इनको जा सकें, तो इनकी परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो प्रशासन को जल्द जल्द आकर यहाँ पर इस पेड़ को उठाना चाहिए, ताकि जो ये चालक महोदय और दूसरे आमजन जो है परेशान हो रहे हैं, वो परेशानी उनकी पूरी हो सके। यातायात जाम के कारण से अब कोटला मार्ग पर जो है, कोटला की तरफ से सढ़ौरा की तरफ जो मार्ग जा रहा है उसमें आप गाड़ियों की जो है जाम में फंस चुकी हैं। काफ़ी लंबी लाइन, और ड्राइवर दूर दराज क्षेत्र से जो ड्राइवर आए हुए हैं अपने गाड़ियां लेकर, वो काफ़ी परेशान हैं, बल्कि रात्रि को भी उन्होंने बस यहीं पर सड़क पर ही रात गुजारी है, और आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन। नमस्कार जी। दूर तक जो है गाड़ियों की कतार, जहाँ तक भी नज़र जा रही है गाड़ियों की कतार जो है, आप देख सकते हैं कि दूर तक जो है सड़क पूरी तरह से जाम हो चुकी है, गाड़ियों के जो है लंबी कतार यहाँ पर लग चुकी है,
लगातार गाड़ियां पीछे से आ रही हैं, लेकिन अभी आसार कम हैं खुलने के। देखिए गाड़ियों में सामान वगैरह, रेत बजरी वगैरह, दवाइयां और अन्य घरेलू सामान भी है। सभी को इंतज़ार है कि कब पेड़ तारों से हटाया जाए और रास्ता खुले, लेकिन जैसे कि आए तो थे डिपार्टमेंट, हल्की पुल की टहनियाँ उसकी पेड़ की काट चुके हैं। अगर पेड़ को काट कर अलग कर देते तो कोई दिक्कत ना रहती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। आपसी विवाद में ही पीडब्ल्यूडी और बिजली बोर्ड के कर्मी आपस में ही पड़े, एक दूसरे के ऊपर ही उन्होंने कहा कि उनका काम है ये। अब ये देखना ये है कि कितनी देर के बाद ये पोल जो है यहाँ से हटाया जाएगा। समैलपुर से कोटर रोड की तरफ बढ़ते हुए गांव रतौली के नज़दीक आप देख सकते हैं कि बिजली विभाग के बिजली के पोल जो है काफ़ी जो है गिर चुके हैं, बहुत बुरी तरह से। आप देख सकते हैं कम से कम 5-6 पोल तारों समेत इस वक्त धरती पर गिरे पड़े हैं। पेड़ जो है तारों पर गिरे तो एकदम से वो नीचे की तरफ गिरे, तो इस कारण से खींच पड़ने से एक साथ जो है लगभग 6 पोल जो है ज़मीन पर धराशायी हो चुके हैं। भारी भरकम पेड़ जब तार पर गिरा तो एकदम से उसके खिंचाव के कारण से पोल जो है पेड़ का वजन जो है बर्दाश्त नहीं कर सके और वो 6 खंभे कम से कम तारों समेत ज़मीन पर जो है गिर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सारा मामला यहाँ पर गड़बड़ाया, सिर्फ एक खंभा ये बीच में रह गया है, वरना तो उसके आसपास के 4 खंभे इसके आगे की तरफ के और 3 खंभे इसके पीछे की तरफ से वो सब नीचे गिर चुके हैं। पेड़ भी किक्कर के वगैरह आगे स्पिदे के पेड़ भी काफ़ी टूट हो चुके हैं। सीमेंट के विद्युत विभाग के ये पोल जो कि उस टाइम ज़मीन पर गिरे पड़े हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा ही एक रास्ता बचा हुआ है जिसका उपयोग ही लोग आने जाने में कर रहे हैं, लेकिन आगे समैलपुर के अंदर रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध है। अब ये भी देखना होगा कि ये पोल आखिरकार कब जो है खड़े किए जाएंगे और कब इधर से बिजली की जो है सप्लाई जो है वो सुचारू हो सकेगी। यह विभाग की लापरवाही मानी जाएगी कि इस वक्त दोपहर के 12 बज चुके हैं। पहले जब इसको कवर किया गया था उस वक्त सुबह के लगभग 9 बज रहे थे, उसके बाद 3 घंटे का समय बीत गया है और इस वक्त 12 से भी ऊपर का समय हो गया है, लेकिन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पेड़ ज्यों का त्यों इसी वक्त तारों पर टंगा हुआ है और जो ट्रक कल रात्रि 9 बजे से यहाँ पर खड़े हुए थे वो ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं। अब गांव वालों ने उनके लिए खाने की व्यवस्था की है गुरुद्वारे के अंदर, वो वहाँ पर प्रसाद वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि रात्रि का भोजन भी उन्होंने किया था ना ही सुबह का नाश्ता, तो अब उनको भोजन जो है गांव वालों ने अपनी तरफ से गुरुद्वारा में करवाया है। तो ये एक विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही, आप देख सकते हैं कि पेड़ ज्यों का त्यों टंगा हुआ है, तो प्रशासन को इस तरफ जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए और इस पेड़ को उतारना चाहिए ताकि जो है आवागमन यहाँ से सही हो सके। और ये जो रात्रि 9 बजे से यहाँ पर चालक अपने गाड़ियों समेत रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो अपने गंतव्य पर पहुँच सके। स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।